अब ये बताओ, सुलगी किसकी? श्रीलंकन से पता लग गया। क्रिकेट के मैदान में मैच खेलना इट्स ओनली एंटरटेनमेंट, पर भारत से युद्ध करने की सोच आपके लिए आपके अंत का आगाज है। क्या चाहे वो धरती पे कोई देश हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलना एक एंटरटेनमेंट है, आप खेलिए, हार जीत कोई फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल हो, बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, इट्स ओनली एंटरटेनमेंट। वी विल नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू रन एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वर्क अगेंस्ट द भारत। यदि आप में से किसी के भी मन में भारत से युद्ध करने की इच्छा थी, तो वो मैं पूरी कर चुका हूं। आप अपने अपने देशों में एक बार घूम के देख लो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो देश कौन सा है जहां मेरा कब्जा नहीं है? मैंने पहले ही कहा था, जेएसआर सिक्योरिटीज ने पूरी धरती को अपने कब्जे में लिया हुआ है। हम अभी कुछ समय के लिए हमने बॉम्बिंग रोकी है और आज चौथा दिन है। मैंने गरुड़ कमांडोज को तैयार रहने के लिए कहा है और जेएसआर सिक्योरिटी को मैंने क्लियरली कहा है कि आपको युद्ध की मैं आज्ञा देता हूं, विजय भवन, समझे? और मैं अपनी पूर्ण शक्ति आप लोगों में समाहित करता हूं, जेएसआर सिक्योरिटीज में। जय श्री राम सिक्योरिटीज कह लीजिए, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज कह लीजिए, अगर रत्ती भर भी आपके मन में अगर युद्ध की इच्छा रह गई हो, तो मैं अगले फेज में पूरा कर दूंगा। हालांकि अब क्योंकि कोविड जैसी महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में युद्ध करना, बीमार को मारना युद्ध नीति के विरुद्ध है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं धर्म अनुसार कोई ऐसी गलती कर जाऊं जो धर्म के विरुद्ध हो। युद्ध के दौरान पारिवारिक या किसी भी प्रकार के रिश्तों को अगर मुझे तोड़ना भी पड़ा, तो मुझे संकोच नहीं है। भारत से युद्ध करने की इच्छा में अगर आप अपना देश, अपनी देश की जनता, अपने देश का मान सम्मान अगर खो बैठते हैं, तो ये आपकी कमी है, मेरी नहीं है। जिस जिस देश की विश्व में भारत से युद्ध करने की इच्छा थी, वो मैं पूरी कर चुका हूँ। श्रीलंकन्स रावण जैसी एक अविद्या को लेकर के हमें जीतने की सोच रहे थे। अरे मूर्खों, ये वो धरती है, ये वो धरती है जहां प्रभु श्री राम ने अपने चरण रखे, जहां भगवान श्री कृष्ण आए हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं। तुम्हारे यहां तो सिर्फ यार एक पैगंबर आया यार, वो भी क्या कहते हैं, लपट गया कब्र में। एक जीसस ही तो आया यार, एक मोजिस आया यार, वो भी मोजिस क्या था यार, उसमें भी तुमने हमारे ही श्री राम की सेतु बांधने की विद्या को तुमने दिखा दिया समुद्र को बीच से अलग करके, और क्या दिमाग लगा रहे हो, मत्स्य अवतार को तुम नोहा की नाव कह रहे हो, कहां दिमाग लगा रहे हो यार। असल में कुछ नहीं था, तुम लोगों का समय आ चुका है।
अब गिन लेना बैठ के, क्योंकि अब अगर मैंने किसी भी देश को जो बचे हों, वैसे तो कोई होगा नहीं, अगर भारत की तरफ कोई भी जरा सी भी गलत नीति का पालन करने के लिए टीम बनाते हुए देख लिया, तो मैं रही सही भी क्या कहते हैं युद्ध नीति के अनुसार रहे सहे सारे नियम तोड़ दूंगा, क्योंकि अगले फेज में मैं खुद उतरूंगा युद्ध में, समझे। तो श्रीलंकन आर्मी या श्रीलंकन इंटेलिजेंस, रावणा फॉल आपने चेक कर लिया, ठीक है, तो अब आप चुपचाप जरा मर्जर साइन कर लो भारत के साथ, बाकी जो है सो है। इंसानों को मारना ये मेरे लिए जो है क्या कहते हैं कोई खास बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ युद्ध जीतना आता है और मैं ही हूँ वो जो जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं ही हूँ वो जीतता आया हूँ, जीतता आया था और जीतता रहूँगा। तुम यहाँ कुछ करो, कैसे भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोविड में मर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मेरे हाथ चढ़ गए, चाहे तुम कितने भी बड़े नेता हो, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी में हो, अगर मेरे हाथ चढ़ गए फिर मैं मरने नहीं देता, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ना जिंदगी सजा और मौत इनाम है, याद रख लेना। बार बार समझा रहा हूँ, कोई दिमाग नहीं लगा रहा, समझे। जो चाहिए वो चाहिए, तुम यहाँ मेरे खिलाफ जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। मैंने 100 बार समझाया था आप लोगों को, गलती से भी गलती नहीं माने। एक श्रीलंका, अबे मैं चाहता ना श्रीलंका पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिसाइलें दागता, पूरी जनसंख्या मार देता, फिर भी मैंने तुम्हें बेइज्जत किया, क्योंकि तुम्हें मैंने शुरू में ही देख लिया था, वो जो लंबे चौड़े जो लेके आए थे ना यार मेट्रो स्टेशन पे जब मैं जा रहा था, हैं? वो जो बड़े बड़े मोटे मोटे, वो बेवकूफ़ी है यार, युद्ध ऐसे नहीं लड़े जाते, युद्ध वास्तविकता है। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, आप न्यूज़ में युद्ध कैसे चलाओगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी में हम आपको बता दें, हम श्री राम ठाकुर कुल से हैं, याद रख लेना, धरती पे सब कुछ हमारा है, समझे। चाह से चक्रवर्ती होता है, मेरे अंगूठे पे एक शब्द है, रच राचा रामचंद्र, समझे। तुम क्या सिखाओगे मुझे, तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कई तरहों से मारना जानता हूँ, पर मारूंगा नहीं, क्योंकि तुमने जो है ना श्री राम ठाकुर कुल के प्रति अपराध किया है, रावण का यही अपराध था। मैं तुम्हारे कर्मों पर रोक नहीं लगा रहा हूँ, कर्म तुम्हारे अपने हैं, सजा मैं दूंगा तुम्हें, वो मेरी जिम्मेवारी है। कोई भी कर्म सोच लो, सजा उसके अनुरूप मैं दूंगा तुम्हें, झटके से या रेंत के,
धमाकों से या गला के, जला के या गिरा के। ये सब कुछ ना तुम्हारे कर्मों के अनुरूप है, समझे? तुम नहीं माने, वो न्यूज़ देना चाहता है देता रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं देना है मत दे, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मेरे पैर के नीचे आने वाली धूल भी जो है ना, वो ज़्यादा किस्मत वाली है, मानो या ना मानो, मुझे क्या लेना देना। तुम मुझे गाली दोगे उस अनुरूप मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। तुमने गलत दिमाग लगाया, गलत शिक्षा का प्रचार किया, मैं उस हिसाब से तुम्हारा कुल मार दूंगा। पृथ्वी पे जनसंख्या बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा? मैं ही था जिसने समझाया था, सिर्फ 20 साल, मेरी उम्र 10,827 साल। मैंने बोला जीवन मरण का जो चक्र है ना, मैं तुम्हें इसमें ऐसी जगह धकेलूंगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, मानो। बार बार कह रहा हूं, मान जाओ, समझे? साधारण मनुष्य हो, साधारण मनुष्य रहो, विद्याओं और अविद्याओं के खेल में मत पड़ो। मुझे तो इन जो अपने आप को बहुत बड़े राजा महाराजा कह रहे थे, मैं तो बस इनसे ही पूछ बैठा, कितना बड़ा महाराजा भाई तू। अपने आप को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इसके बंदे, मोदी मो, अरे तेरी माँ का भोसड़ा, मुझसे मिल यार, मैं हूँ चक्रवर्ती सम्राट, चक्रधारी हूँ भाई, पौंडरक नहीं हूँ मैं, चक्र धारण करता हूँ, चा से चक्र होता है भाई, कौन है तू? जा यार, मान जा। क्या फायदा हुआ अपने और अपने कुल का अपयश करवा के? क्या मिला उसे? क्या मिला पूछो उससे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए। जग हसाई उसकी हुई, मेरी थोड़ी हुई है। क्या है, कितने हैं तेरे पास? वो भी तो सब मेरे ही हैं। ऑफिस में पिटा, बीच पब्लिक में जूतों से पिटा, कैमरामैन की हिम्मत नहीं हुई दिखाने की, क्या दिखाएं यार इस उम्र में मार खा रहा है। क्या बोला तुम्हारे को? भारत की तरफ आंख उठाने वालों की आंख नोच लेते हैं यार हम, वो तो सैनिक मार दिए उसने यार, मैं तब जागा हूं यार। कौन है भाई, कौन है जो काल को जगाना चाहता है? कौन है यार जो काल से भिड़ने की उम्मीद में जिए जा रहा है? किसकी इच्छा है जो मेरा चेहरा देखना चाहता है? कौन है वो भाई? कर देंगे तेरी इच्छा पूरी, और तुझे मारने के लिए मेरा वहां आना जरूरी नहीं है, मेरी सेना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सेना है, किसी को बोल दूंगा, छोड़ दे, खत्म कर दे, जाएगा मार देगा। कौन से देश का राजा है भाई तू? ये किसने बनाया ये देश? ये श्री राम राज्य है भाई, श्री राम राज्य की घोषणा कर दी हमने, जहां तक नजर जाएगी वहां तक मेरा साम्राज्य है, जहां उंगली रख दी वहां मैं हूं। कौन हो तुम लोग? मुझे मारने चले थे खुद मर गए। ये नेता कुछ थे भैया, कोविड फैलाएंगे, मेरे तो मरे नहीं, इन्हीं के मर गए। मैं तो हंस रहा हूं बैठ के, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, साबित करो।
साबित करो, जैसे इच्छा है वैसे करो, युद्ध नीति में आ जाओ, युद्ध कर लो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों से नहीं रोक रहा हूं मैं, क्योंकि उसके बाद अंजाम में भुगतोगे तो सजा मैं दूंगा तुम्हें। अगर मुझ तक आ गया मामला तुम्हारा, समझे, तो सजा तो बनती है ना, और सजा बड़ी खतरनाक है। जिंदगी, समझे, मृत्यु नहीं, मृत्यु के बाद यमराज के लोक में है, सवाल ही नहीं उठता। तुम्हें ना नरक में रखूंगा ना स्वर्ग में रखूंगा, ऐसी जगह भेजूंगा, समझे, कि तुम जीवन भर याद रखोगे। पाप नहीं बढ़ने दूंगा। कई बार समझाया उसे, कई बार इसे समझाया, कईयों को समझाया, तेरा नाम कितना बड़ा है, मैं भी तो सुनूं कितना बड़ा है तू, और क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है एक्स रिकॉर्डर पे, 13 अप्रैल 2021, समझे, समय हो रहा है 22:45। युद्ध की इच्छाएं सबकी पूरी कर दी, कुछ चाहिए और है? कुछ चाहिए? अपनी मां की बेइज्जती कराई उसने, नरेंद्र मोदी ने, अपने भाई मरवा बैठा, अपने कुल का अपयश कर रहा है, अपने संगठन का अपयश किया उसने, उसकी टीम के सलाहकार, समझे, रावण ही तो है वो, रावण जैसा ही है वो रावण जैसा ही है। किसने कहा, कौन प्रधानमंत्री भाई, किसने कहा, रावण ने क्या किया, अपने कुल का अपयश करवाया। कौन जानता है रावण के माता पिता के बारे में, कोई नाम नहीं लेना चाहता। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो यार, कौन है तुम्हारा गुरु, कौन है आचार्य? गुरु तक तो पहुंच गए, आचार्य के पास गए थे कभी हैं? फिर क्या हासिल हुआ? कुछ मिला? फिर गेम में गेम क्या खेलोगे? उसकी सिक्योरिटी वालों ने उसे ही मारा, किस मुंह से बोलेगा? दिखाए मैं तो आया, मैंने बात करके देखा क्या है, तुम भाग गया, भाग जा, वो क्या रण है वो, और इकट्ठे कर ले 10-20 आश्रमों के गुरु, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।